जैसलिन जो कि चंडीगढ़ की शकीरा है, उसको सब लड़के इंप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत हॉट है। वो कॉलेज की डीवा है। शी हैज स्टाइल्ड हरसेल्फ ऑन शकीरा। ऑब्वियसली शकीरा इज द अल्टीमेट सेक्स सिंबल और उसको लगता है कि पूरे चंडीगढ़ में उससे ज़्यादा हॉट कोई लड़की है नहीं, विच इज़ अ फैक्ट। आई मीन ऑब्वियसली, तो आई एम प्लेइंग जैसलिन। मैं चंडीगढ़ की शकीरा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन द हेड ना ये जो चंडीगढ़ की शकीरा एक बहन जी है। हर कैरेक्टर वाज कॉल्ड जसलीन। इट्स अ वेरी कॉमन पंजाबी नेम। जसलीन अपने आप को जसलीन थोड़ी बुलाएगी, बिकॉज़ दैट्स नॉट कूल इनफ। अगेन सो लाइक कम ऑन, इट्स गॉट टू बी जैसलीन। इट्स जैसलीन, वेरी स्पंकी, वेरी क्रेजी। वो कुछ भी बोलती है, किसी को भी कुछ भी बोलती है, मुफट है। कभी-कभी बहुत आएगी, हाय हाउ आर यू, हाय आई एम गुड, और कभी हाय हाय यार हाउ आर यू। So she changes like that. She knows the balance. She knows कि अभी if I play dumb I'll get my way out of here. अभी if I play smart I'll get my way out of here. वो अपने आप को project करना चाहती है कि वो तो India की है ही नहीं, but वो India की ही है और वो हमारे बीच की लड़की है. She's very funky, very spunky. So she wears feathers in her hair and she wears neon. She's obsessed with neon. She only dates these super loaded rich guys with big cars and you know builders ke bete ye wo wagera wagera. So Sameer's like, now the only way to impress her, at least I need to have a car. Wo idhar udhar jugaad ladata hai apne dost Gattu se, puchta hai kya karu kya karu. Basically wo apne dad ki car sneak out karta hai Jasmine ko impress karne ke liye. Ring ding kar danga main keh raha tanu. जब सारी पार्टी आटी गाना आना खत्म होता है, मैं बाहर आता हूँ and the car's not there. Through the story, she discovers कि हाँ ये तो जो अपने आपको दिखाता है शायद वो है नहीं, लेकिन जो वो actually है वो अपने दिखाने से भी ज़्यादा better है. She's the kind of person who goes to the airport to drop some relatives to Canada, as they say in Punjabi, और वो वहीं से accent आ जाता है उसको. इसकी भी of course English माशाल्लाह है. And like she has dialogues like, you never said me. I never knew. Or flowers to kahin nahi dikh rahe. So basically she's that kind of a person, but she's very cool.